भाई ये तो वही है ना जो ब्रो स्प्लिट फॉलो करता है। मैं तो कभी नहीं कर सकता। ओके मजाक से हटके अगर आप एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हो तो आज ही बंद कर दो। ब्रो स्प्लिट हम उस स्प्लिट को बोलते हैं जब हम एक बॉडी पार्ट को हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को शोल्डर्स एंड सो ऑन। लेकिन इसमें दो बड़ी गलतियां हैं। नंबर वन, आपकी मसल्स को सिर्फ 48 घंटे चाहिए होते हैं रिकवर होने के लिए, तो एक बार ट्रेन करने के बाद आप बाकी के 5 दिन वेस्ट कर रहे हो। यू आर लिटरली लीविंग गेन्स ऑन द टेबल। एंड सेकंड, जब आप एक ही मसल की दिन में 7-8 एक्सरसाइज लगाते हो तो 2-3 एक्सरसाइज के बाद आपका मसल फटीग हो चुका होता है और उसके बाद बस आप अपना टाइम और जिम की मेंबरशिप वेस्ट कर रहे हो। सो रूल ऑफ थंब टू कीप इन माइंड इज आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से एक ऐसा स्प्लिट चुनो जिसमें यू ट्रेनिंग एवरी मसल एटलीस्ट ट्वाइस पर वीक। सम एग्जांपल्स आर फुल बॉडी 3 डेज अ वीक, अपर लोअर 4 डेज अ वीक, या फिर जो मैं भी करता हूं पुश पुल लेग्स 6 डेज।